बीजेपी को श्राप देने वाली जया बच्चन ने मांगी माफी। मोदी सरकार पर चिल्लाने वाली जया बच्चन ने जोड़े हाथ। राज्यसभा से विदाई होते ही इमोशनल हुई जया बच्चन। बार बार क्यों आता है गुस्सा, आखिरकार कर दिया खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सपा सांसद जया बच्चन अपने गुस्से को लेकर हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई जया बच्चन का ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो गुस्सा करती दिखाई दे जाती हैं। हालांकि अपने इस गुस्सेले बर्ताव की वजह से जया बच्चन को बार बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके बर्ताव में कभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि अब जब राज्यसभा से जया बच्चन की विदाई हो रही है तो उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिर उन्हें बार बार गुस्सा क्यों आता है। साथ ही जया बच्चन ने यह भी कहा है कि अगर सदन में कोई उनके शब्दों से आहत हुआ है तो उसके लिए वो क्षमा चाहती हैं। 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है, और जो मेरा अनुभव रहा अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। और जैसे कल मैंने सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। पर जो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती, अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबको जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि इस हाउस को आप इररेलेवेंट ना बनाएं, ये जैसा हाउस पहले था वैसा ही रहे और ताकतवर रहे, और उस हाउस से ज़्यादा जो विद्वान लोग इस हाउस में हुआ करते थे एक समय में, ऐसा वक्त फिर वापस आए और इस हाउस को उतना ही गरिमा मिले जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बता दी कि कुछ साल पहले जया बच्चन ने सदन में अपना आपा खो दिया था। एक्ट्रेस को इस कदर गुस्सा आ गया था कि उन्होंने मोदी सरकार को श्राप देते हुए कहा था कि आपके बुरे दिन भी जल्द आएंगे। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। बता दें कि जया बच्चन न सिर्फ बीजेपी को श्राप दे चुकी हैं, बल्कि सदन में वो सभापति जगदीप धनखड़ पर भी गुस्सा निकाल चुकी हैं। जया बच्चन ने कुछ दिनों पहले जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको जया बच्चन का ये वीडियो। जया जी, एक सेकेंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। It's a mockery of democracy. बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे ही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर MP, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड MP को आपने सस्पेंड कर दिया। जया जी, एक सेकेंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता।
आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हाउस में भी हाउस के बाहर भी। हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर, द हाउस विल मीट एट 5 PM टुडे। मेनी पीपल वर डिसमिस्ड, हमारे मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ, इतने MPs को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया, आज भी उतने ही काफ़ी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है इनको नहीं करना है? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे ही कहा, सर सर बोल रहे हैं आप, जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूँगी, अभी क्या करूँ? सर सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर MP, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना, उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज़ ज़ोर से की हो या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त ख़त्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड MP को आपने सस्पेंड कर दिया, सोचिए। वंदना चौहान को आपने इतनी भद्र महिला है उनको सस्पेंड कर दिया, एक कौन सा नापदंड है? आप रामगोपाल यादव को कैसे सस्पेंड कर दिए, मुझे समझ में नहीं आया, इतना लंबा करियर उनका, तो पता नहीं क्या अंदर खिचड़ी पकती है उनकी। 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है, और जो मेरा अनुभव रहा अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा, और जैसे कल मैंने सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। पर जो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया, मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती, अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और आप सबको, जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि इस हाउस को आप इररेलेवेंट ना बनाएं, ये जैसा हाउस पहले था वैसा ही रहे और ताकतवर रहे, और उस हाउस से ज़्यादा जो विद्वान लोग इस हाउस में हुआ करते थे एक समय में, ऐसा वक्त फिर वापस आए और इस हाउस को उतना ही गरिमा मिले जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।